हेलो ए वन वेलकम बैक टू आइडल्स पॉडकास्ट ऑन लीशिंग एक्सपीरियंसिस वेलकम टू आर न्यू एपिसोड विथ आर आइडलाइट जिनका नाम है विशाल राज विशाल बिहार uh, से बिलोंग करते हैं एंड uh, विशाल के बारे में कुछ चीज़ कहना चाहूँगा कि विशाल आइडल्स uh, का आगे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं एंड ये हमारे ऑनलाइन यूज़र भी रहे हैं ताकि yes. uh, जब भी हमने टूटोर एंड आइडल्सार्ट एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सो तब से वो सीख रहे हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन भी लिया था एंड आई गेस बहुत टाइम से हमारा ऑफलाइन चीज़ को भी फॉलो कर रहा है अबाउट डोल कोर्स राइट एंड कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन करना चाहते थे बट आई गेस उन्होंने लास्ट ईयर ही यू नो सेप्टेम्बर बैच में डिसीजन लिया ज्वाइन करने के लिए ओके सो चलिए यू नो विशाल से जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक एंड उनका लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है एंड कैसे क्या क्या चीज़ें उनको सीखने मिला है एंड सो हेलो विशाल हेलो सर वेलकम टू आइडल्स पॉडकास्ट विशाल मैं आपकी ऑब्वियसली जर्नी के बारे में पूछूंगा ठीक है लेकिन uh, कहीं ना कहीं मैं आपसे यू नो ऑनलाइन के बारे में ही पूछना चाहूँगा जब भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया एंड क्यों आपको लगा कि मुझे ऑफलाइन भी करना चाहिए जब डल्व कोर्स हमने लॉन्च किया था अभी सो so, uh, क्या पहले आप उसके बारे में मुझे बता सकते हो लाइक यू नो uh, आपका ऑनलाइन एक्सपीरियंस एंड मैन यू गॉट टू नो अबाउट डोल्थ कोर्स ओके देन

मतलब मुझे हमेशा से ये चीज़ फ़ील होती है कि मतलब सामने से सीखना वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है कि हम कुछ चीज़ सीखते हैं उसको सही से फॉलो नहीं करते कुछ ना कुछ मतलब इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं पर ऑफलाइन आई थिंक कि मुझे हमेशा से ये लगता था कि ऑफलाइन सीखना कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होता है वहाँ पे प्रॉपर आप टीचर को सामने से देख रहे हो और वो जो भी मिस्टेक्स होता है ऑनलाइन में हम वो चीज़ मतलब टीचर हमें बता नहीं पाते कि आप ये गड़बड़ कर रहे हो या गलत कर रहे हो पर ऑफ़लाइन में ये चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं वहाँ पे टीचर आपको नोटिस कर रहे हैं जो भी चीज़ आप सामने सीख रहे हो वहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि ये गलत कर रहे हो आप इसको इस तरह से कर सकते हो तो ये बहुत मेजर डिफरेंस है जो मुझे सच में एक्सपीरियंस करना था क्योंकि मुझे एज़ एज अ डांसर मुझे खुद में बहुत कमी दिखती थी और मुझे लगता था कि ये चीज़ ऑफलाइन के थ्रू बहुत बेटर हो सकती है एंड आइडल्स को मैं ऑब्वियसली बहुत टाइम से ऑनलाइन देख रहा था तो मुझे सारा कुछ मतलब जो टीचर्स वहाँ पर मतलब जो भी बताते हैं मैंने आपके भी टूटोरियल्स देखे तो मुझे रिसर्च वाइज लगा कि ये बेस्ट है तो यहाँ पे जाना चाहिए सो आई थॉट टू जॉइन ऑफलाइन लाइन कोर्सेस ऑब्वियसली मुझे थोड़ा टाइम लग गया सर ड्यू टू सम फैमिली प्रॉब्लम्स रहने का कुछ इशू था मनी प्रॉब्लम्स बट एट द एंड मैं जॉइन किया एंड इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस ओके सो जब से आपने जॉइन किया टेल्थ कोर्स राइट तब से लेके अब तक आपका लाइक like, जर्नी कैसा रहा है एंड uh, क्या आपको आपको डिसीजन सही लगा लाइक अलॉट टू जॉइन टवेल्थ कोर्स ये सर इट्स रोलर कोस्टर राइड सर बोलते हैं ना कि मतलब शुरू में मैं आया स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नर्वस था मतलब ख़ुद के डांस स्टाइल को लेके लाइक एवरी वन वॉज डूइंग सो बेस्ट मैं बिल्कुल ऑनेस्ट होना चाहूँगा एंड आई वॉज थिंकिंग कि मतलब मैं मतलब नहीं कर पाऊँगा पुल अप मेरा उतना स्किल अभी सही नहीं है बट टाइम टू टाइम मैं सीखता गया सीखता गया एंड वो चीज़ मतलब धीरे धीरे वो चीज़ बिल्ड होते गई मेरे अंदर और मैंने वो चीज़ ख़ुद में देखा कि कहाँ मैं स्टार्ट किया था आई विल मैंशन वन थिंग सर आई यूज टू क्राई इन इन दैट रूम सर मतलब इधर नहीं हो पाता तो आई यूज़ टू क्राई देयर बट आई पुश अप माई सेल्फ सर और सबसे मेन चीज़ मैं मैंशन करूँगा कि आइडल्स ने इस पूरे जर्नी में मतलब इस पूरे फाइव फा, मंथ्स के एक्सपीरियं जर्नी में मेरे अंदर जो मतलब कॉन्फिडेंस बिल्ड करी ना सर वो चीज़ मुझे हर चीज़ में हेल्प किया डांस में और बाकी के भी जो हमने स्किल्स सीखे वो सारी चीज़ में मुझे हेल्प किया मैं ये कॉन्फिडेंस इस तरह का बिल्ड हुआ ये मतलब पूरे कोर्स के थ्रू कि मैं जो भी सीखता था वो चीज़ को मतलब बता ही नहीं पाता था मेरे अंदर जो स्किल थी भी पहले से और कुछ जो भी सीख रहा था उस चीज़ को मैं प्रेजेंट कर ही नहीं पा रहा था सर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था मैं बहुत लो फील कर रहा था पर धीरे धीरे कोर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आज अगर एट परसेंट है तो कल एट पॉइंट वन परसेंट नेक्स्ट डे एट पॉइंट टू परसेंट वो चीज़ ग्रोथ होती गई एंड वो चीज वो जो एक्सपीरियंस था सर वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मतलब ख़ुद को प्रेजेंट करता गया तो ये चीज़ बहुत बेस्ट चीज़ रही एंड कॉन्फिडेंस कितना मतलब मैटर करता है ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया सर और अच्छा लग रहा है के कि यू नो लाइक आपका डे टू डे आपका uh, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है क्या हाँ एक चीज़ वैसे आपने बोला कि आप कोने में आगे रोते तो, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग लगा फिर भी आपने लेकिन फिर भी आपने लाइक उसको मोटिवेट किया एनक्रेज किया और लाइक यू नो इज़ जस्ट बिगनिंग एंड यू लेफ्ट कीप ऑन गोइंग विद इट एंड मैं अच्छा मुझे अच्छा फील हो रहा है कि यू नो लाइक वॉक सेशन के थ्रू जब भी मैं आपका डांसिंग देता था मैं मुझे बहुत खुशी मिलती थी कि वो इम्प्रूवमेंट देख के राइट सर बिकॉज जब भी आप और uh, सेप्टेम्बर में आए तो, तो आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे right. आपको खुद को पता है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे थे आप एक कॉर्नर में रहते थे एंड आप कुछ चीज मूव uh, कर नहीं पाते थे एंड काफी लैक करते थे राइट लेकिन right. फिर भी आपने उस चीज को गिबअप नहीं किया आप कंसिस्टेंटली आपके सेशंस के लिए आप प्रेजेंट रहे राइट right. एंड जो चीजें थी सर वो चीज़ भी मैं मतलब प्रेजेंट नहीं कर पाता था जो चीज़ें बॉडी में है वो चीजें भी मैं नहीं कर पाता था तो वो चीज़ आइडल्स के थ्रू बिल्ड हुई और उसको कैसे प्रॉपर प्रेजेंट करना है वो चीज़ बताया गया तो फिर वो चीज़ ईजी लगी कि ये तो मैं कर सकता हूँ लाइक वो यहाँ पर बताने का तरीका जो मैंने देखा तो वो चीज़ मुझे लगी कि आई कैन डू देट तो वो चीज़ मुझे एक्चुअली नो मॉक सेशंस के थ्रू क्लियरली दिखा आप कि आउट एक्चुअल टैलेंट है नो आपका डांसिंग कैसा है नो right. आप जब वो हिप हॉप के कॉम्बिनेशन बनाते तो वो रिफ्लेक्ट होता था कि आपके बॉडी लैंग्वेज कैसा है राइट थैंक यू सो मच सो चलिए अभी हम पी के बारे में बात करते हैं विल स्पीक ऑन पी एज वेल बट लेट मी फर्स्ट नो डिस्कस अबाउट पी आई टी पी ओके सो जब पी आई टी पी शुरू किया तो uh, नो आपने फर्स्ट उसके पहले वाले बैच के साथ आप नहीं कर पाए थे लेकिन आपने यहाँ दिसंबर बैच के साथ किया ओके सो आपके माइंड में ऐसा कुछ था पी आई टी पी को लेके कि, कि क्या सीखने मिल, मिलने वाला है या फिर क्या होने वाला है ऐसा कुछ चीज़ें कभी था एंड uh, uh, जब भी आपने पी आई शुरू किया ज्वाइन करने तो आप ही कभी एक्सपेक्ट किया था कि इतनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगा नो सर बिल्कुल नहीं और जो मैंने मतलब जब पी आई स्टार्ट किया तो जैसे जैसे जो चीज़ें मैं देखता गया वो मतलब बिल्कुल एक्सपेक्टेशन से अलग था मुझे लगा था कि मतलब टीचिंग मतलब ऐसा क्लास मतलब किस तरह से मतलब बस ऐसे कुछ सेशन्स होंगे बस क्लास मतलब कैसे लेना है वो चीज़ें बताएंगे पर जो जो स्किल्स हमें बताए गए वो चीज़ मतलब पहले तो लगा कि ये हमें कैसे हेल्प करने वाली है पर जैसे जैसे सेशंस होते गए वो एक कनेक्शन दिखता गया कि डांस में इस चीज़ का क्या यूज़ है जैसे स्टार्टिंग से बात करूँ तो सर कम्युनिकेशन स्किल्स की एंड फिर उसके बाद हमें सिखाया गया कि हम खुद को मार्केट कैसे कर सकते हैं नेटवर्किंग स्किल्स ये सारी चीज़ें बताई गई एंड एज अ डांसर आप जैसे बात कर रहे हैं आपका बॉडी लैंग्वेज क्या होना चाहिए मतलब आप परफेक्ट होकर कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो किसी चीज़ को सिर्फ बोलना नहीं है उस चीज़ को मतलब प्रॉपर वे में कैसे बताना है वो चीज़ें हमें बताई गई एंड प्रोफेशनलिज्म जो चीज़ होती है वो चीज़ बताई गई आप डांसर तो हो पर आप एक स्किलफुल डांसर कैसे बन सकते हो वो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस किया पीआईटीपी के थ्रू एंड जो जो चीज़ें जैसे ऐसी प्रोसेस वाइज बताई गई और सबसे बेस्ट चीज़ मैं एक मेंशन करूंगा सर कि इसमें ये चीज़ें हैं ये सुनने वाले लोग को भी हेल्प होएगा कि ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में आपने बताया भी था पी पी के सेशनस में कि मैं यहाँ पर वही चीज़ें रख रहा हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है सर क्योंकि आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस किया आपको उसकी हर चीज़ पता है सर लाइक पॉजिटिव एंड निगेटिव्स तो वो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हो हम उसको कैसे इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ सकते हैं ये चीज़ें तो मतलब पी आई टी पी इट्स बिन मेरी ग्रेट थिंग टू अस जिसमें हमने हर तरह की चीज़ को एक्सप्लोर किया एज अ डांसर हम कैसे स्किलफुल बने कैसे प्रेजेंट करें खुद को अपना टैलेंट आगे कैसे लेके जाएँ अपने आप को कैसे मतलब एज अ डांसर ग्रो मतलब आगे कैसे ग्रो करें तो ये सारी चीज़ें हमने सीखी सर पी आई टी पी में ओके okay, सर जैसे आपने कहा कि इतने सारी चीज़ें आपने सीखनी मिली पी आई टी पी में सो No, नो एंड so, वो सब चीज़ें जब आपने इंटर्नशिप में अप्लाई किया ठीक है तो वो पूरा चीज़ करने है बट कितना ग्रोथ आप देख पाए आपके वो सारे स्किल्स में लाइक अपार्ट फ्रॉम डांसिंग वो जो एक्स्ट्रा स्किल्स आपने सीखे थे पी के दौरान वो सारे स्किल्स में आप कितना ग्रोथ देख पाए ऑब्वियसली सर ये जैसे मैंने बताया अभी कि मतलब हमने कम्युनिकेशन स्किल से स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन स्किल में बताया गया था तो जब हम मेरे मार्क्सेशनस कंडक्ट होते थे तो उस चीज़ में मतलब एज अ टीचर आपको किस तरह से अप्रोच करना है क्लास को हमारी पर्पस ऑफ़ कोरियोग्राफी क्या होती है ये सब चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पताती लाइक like, अभी भी मतलब बहुत ऐसे डांसर्स होंगे बस सॉन्ग उठाते हैं दे कोरियोग्राफ द पीस पर हमें क्लास प्रॉपर वे में कैसे कंडक्ट करना है एक टीचर का मतलब क्या मैंटेलिटी होना चाहिए वाइल कंडक्टिंग अ क्लास ये सारी चीज़ें मैंने सीखी और उस चीज़ को मैंने सीख के अप्लाई भी किया मतलब कोरियोग्राफी का पर्पज़ बताना कैसे कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट के साथ और जो स्टार्टिंग से प्रोसेस फॉलो करना जो हमें प्रोसेस बताए गए सारे कूल डाउन वार्म अप्स ये सब के डिटेल में उस चीज़ को फॉलो करना अप्लाई करना वो चीज़ें मतलब मैं सीखा और जब मैं वो चीज़ मतलब पहले मॉक सेशन के बाद आपने भी फीडबैक दिया था आई वॉज़ सो हैप्पी सर मैं खुश था कि मतलब ये सारी चीज़ें जो मैंने सीखी पी आई में और वो मैंने प्रॉपर अप्लाई किया वहाँ पर तो ये सब चीज़ मतलब देखने के बाद मैं खुश था और ग्रोथ का बात करें तो सर मतलब मैं ऑनेस्ट रहूँगा बिल्कुल आई मतलब 97 सेवन टू नाइन्टी परसेंट ग्रोथ मैंने ख़ुद में देखा जो मैं आइडल्स आने के पहले था पी करने के पहले था एंड पी करने के बाद पहले ही मॉक्स सेशन की बात करो तो नाइन्टी सेवन परसेंट ग्रोथ मैंने देखा और इसी चीज़ को कैरी किया तो इट्स बीन अ ग्रेट थिंग सर दैट्स रियली वंडरफुल नो विशाल जो आपने बताया कि इतना आपको फर्स्ट मॉक सेशन में इतना ग्रोथ देखने मिला ओके सो इन टर्म्स ऑफ स्किल्स ओके ये सब चीज़ों आपने जो सीखा है ओके okay, uh, कभी आपने एक्सपेक्ट किया था लाइक यू नो स्कूल कॉलेज या फिर आपके ग्रेजुएशन के वो आपको सीखने मिल गया लाइक वो टीचिंग्स कितना मतलब ये जो हम आपने सीखा है ये सारे टीचिंग्स कितना डिफरेंट रहा है आपके लाइक एकेडमिक जर्नी से यू नो लाइक स्कूल कॉलेज इवन योर ग्रेजुएशन बिकॉज आई नो दैट यू आर पोस्टिंग करेंटली पोस्टिंग योर इंग्लिश ऑनर्स फ्राम डेली ओके सो मैं ऐसा ऑब्वियसली एजुकेशन कंपेयर नहीं करूँ बट लेकिन कहना कि के ये भी एक एजुकेशन ही है जो हमने किया है राइट इट ओके सो हाउ डिफरेंट इट इज़ एज़ कम्पेयर टू अन एकेडेमिक लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है सर क्योंकि मतलब सब एक चीज़ तो है कि मतलब वहाँ पे जैसे हमें क्या होता है कि थ्योरी बताई जाती।, जाती है कुछ चीज़ें हैं जो बताई जाती हैं थ्योरी बताई गई पर उस चीज़ को प्रैक्टिकली हम करते ही नहीं हैं वहाँ पे तो यहाँ पे हमने जो चीज़ थ्योरेटिकली सीखा उस चीज़ को प्रैक्टिकली हमने यूज़ किया तब हमें पता चला कि क्या कमी हो रही है क्या इम्प्रूव कर सकते हैं तो ये चीज़ें बहुत लैक करती हैं मतलब स्कूल्स में हमें जैसे ये बताते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो पर प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को यूज़ ही नहीं कर रहे तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मेजर डिफरेंस जो मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया ये चीज़ें वहाँ पे नहीं होती थी एंड कुछ और फैक्टर्स मैं इन, वहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे जैसे एक ईमेल मार्केटिंग मैंने सीखा था तो सर आई विल बी ऑनेस्ट मैंने सोचा कि मतलब इसका मतलब हमें कैसे यूज़ होने वाला लाइक like, हम डांसर्स कैसे इस चीज़ का यूज़ करेंगे पर जैसे ही मतलब वो सेशन ख़त्म होने के बाद मैंने देखा सर खुद को मतलब अभी हम बहुत सारे डांसर्स हैं जो मतलब अपने एरियाज़ में जैसे गाँव साइड के हैं वो वहाँ पर सिखाते उखाते हैं पर इस मैंने ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ये चीज़ सीखा कि सर हम मतलब कितना ब्यूटीफुली किसी चीज़, चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं जैसे मैं सपोज कोई वर्कशॉप कंडक्ट कर रहा हूँ तो उस चीज़ को जैस हम ईमेल मार्केटिंग के थ्रू करेंगे तो सामने वाले पे भी एक इंप्रेशन बनेगा जैसे आई मैंने ऐसा सोचा है कि सर यहाँ से जाने के बाद जो भी हो मतलब यहाँ से जाने के बाद आई आई विल कंडक्ट वर्कशॉप्स इन स्कूल्स में बच्चों को सिखाऊंगा एक मतलब इनिशियल लूँगा एंड जो भी चीज़ें ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें ई मार्केटिंग ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगा सारी चीज़ें वीडियोग्राफी एडिटिंग स्किल्स ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करने वाला हूँ तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि सर स्किल्स हम वहाँ पे सीखते थे सुनते थे टीचर से ये, ये चीज़ें होती हैं पर प्रैक्टिकली हम उस चीज़ को कर ही नहीं रहे थे यहाँ पे हमने वीडियोग्राफी एडिटिंग सेशंस भी करा वहाँ पे यहाँ पे हमने प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई किया हमने कंटेंट क्रिएशन किया अपना क्रिएटिविटी एक्सप्लोर किया एंड सर मैंने तो मतलब आई बिगर पिक्चर देखा क्रिएटिविटी का मतलब पी में कि मतलब मेरा मतलब आइडल्स ने मुझे एक फिगर दिया कि मतलब मैं किस चीज़ के कैपेबल हूँ सर मैं किस चीज़ के कैपेबल हूँ ये चीज़ स्कूल्स में नहीं बताते थे हमें रिजल्ट दिया पर वो एक विजन नहीं देते थे कि हम किस चीज़ के कैपेबल हैं हमें एक पिक्चर ही नहीं दिखाते थे कि हम कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपने टैलेंट के थ्रू तो ये चीज़ मुझे आइडल्स ने दिखाया एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है कि मतलब आप खुद का मतलब जानते हो कि आप कितना कुछ कर सकते हो खुद को कितना लेवल तक एक्सप्लोर कर सकते हो कॉन्टेंट क्रिएशन जो चीज़ मैं बहुत मतलब आई विल मैंशन सर मैं कंटिन्यू ऑब्वियसली करने वाला हूँ आई विल आई जस्ट लव क्रिएटिंग दैट थिंग मुझे मतलब टॉपिक्स ढूंढ के उस पर करना रिसर्च करना मुझे बहुत अच्छा लगता है आई लव रीडिंग बुक्स ऑल्सो तो ये चीज़ मुझे सीखा मतलब बहुत अच्छा लगा सर एंड आई मेक श्योर आई विल मेक श्योर कि मतलब ये चीज़ मैं करता रहूँगा तो बहुत डिफरेंट है सर क्योंकि मेन एक वही लाइन है कि सर थ्योरिटिकली सीखते रहते हैं पर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं बट इन पी आई टी पी वी आर डूइंग दैट हम उस चीज़ को प्रैक्टिकली कर रहे हैं ताकि हमें ये पता चल रहा है कि क्या गलतियाँ हैं और किस चीज़ को और बेटर कर सकते हैं तो दैट्स द थिंग सो मतलब बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया वो चीज़ जो आपने यू नो बताया बिकॉज okay? कहीं ना कहीं uh, एक चीज़ यू uh, नो एक गोल यहाँ पे और रिफ्लेक्ट हुआ आपकी कॉन्वर्सेशन में जो आपने कहा है बिकॉज पी आई डी पी एज आई बीन यू नो सेंगर की वो एक uh, डांसर को इंडिपेंडेंट बनाता है बट आपने यहाँ पे एक पॉइंट भी उसको हाईलाइट किया है कि इट्स ऑल्सो अबाउट रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल जैसे आपने बताया कि वो चीज़ आपको और केपेबल बनाया ओके बट इट स्टार्ट स्टार्ट विद फर्स्ट रियलाइजिंग वॉट इज योर ट्रू पोटेंशियल इज एंड हाउ यू कैन कीप ऑन बिल्डिंग इट राइट सब जाकर आपकी केपेबिलिटी और इम्प्रूव इम्प्रूव होती है राइट right. इंक्रीज होती है सो so, uh, वो एक अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे हाईलाइट किया एंड अभी जैसे आप इतने सारी चीजें बताया पी आई टी बी के बारे में राइट right? ओके okay? सो कमिंग बैक टू आर पी ए डी पी ट्रेनिंग आपने आपका ट्रेन डांस ट्रेनिंग भी खत्म किया है okay? सो right. so, आपका ट्रेनिंग कैसा रहा यू नो बाई गेटिंग ट्रेन अंडर डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स लाइक मैक सिक्सटी टू किला चौक सा मेरे अंडर आपका मास्टर क्लास हुआ लाइव कोोग्राफी क्लास हुए सो right. so, ये सब चीज़ें करने के बाद आपको कितना डिफरेंट लगा लाइक यू नो हमारा ट्रेनिंग मेथडोलॉजी ओके जो शायद आपको डिफरेंट लग रहा है एज कम्पेयर टू तो अदर इंस्टीट्यूट्स राइट right, सर बिल्कुल तो मेंशन करना चाहूँगा सर सबसे पहले तो हमने मतलब छः स्टाइल सीखे पीएडीपी में तो जैसा मैं सोच के आया था मतलब मैं मैंने जैसे पहले बताया कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स में देख रहा था तो सोच के आया था कि मतलब सिखाने का तरीका बिल्कुल मतलब अलग मुझे लगा था पर उससे भी बहुत नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस रहा सर बात करूँ आपके सेशंस की अपने हाँ में हाउस सिखाया ओल्ड स्कूल सिखाया एंड लॉकिंग सिखाया तो और सबसे पहली चीज़ की सर जो जो भी टीचर्स हैं आप इंक्लूडिंग मिक्सर एंड किला चौक सर मतलब कहीं भी पे भी सर हम हिप हॉप स्टाइल सीखते हैं लाइक like अभी तो अभी ऐसा टाइम आ गया कि जस्ट मोस्ट ऑफ द डांस इंस्टीट्यूट जैसे दे ओनली डू करियोग्राफीज़ एंड ऑल कोरियोग्राफी सिखाते हैं डायरेक्टली पर मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि सर हम फाउंडेशन के थ्रू खुद को कितना मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं एडवांस लेवल तक फाउंडेशन के थ्रू कितना ब्यूटीफुली जा सकते हैं और क्या इम्पॉटेंस है फाउंडेशनस का वो चीज़ें अगर बॉडी में नहीं रहेगी तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आई कैन लर्न अ कोरियोग्राफी एंड उसको मतलब बहुत ग्राइंड कर करके कर सकता हूँ पर फाउंडेशंस का जो मतलब वो रोल प्ले करता है ना सर वो मैंने यहाँ पे सीखा कि मतलब फाउंडेशंस के थ्रू आप अगर ग्रो करें तो कितना मतलब नेक्स्ट लेवल तक आप खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं फाउंडेशंस का इंपॉटेंस मेरे को यहाँ पे समझा सर क्योंकि बाकी इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस कहीं पर किया नहीं था मैं और भी एक दो इंस्टीट्यूट में देखा था तो वहाँ पर मैंने ये देखा कि वो डायरेक्टली कोरोोग्राफीज़ करा रहे वो बता ही नहीं रहे और दूसरी चीज़ हम कोई भी डांस स्टाइल सीख रहे हैं सपोज मैं अगर मैं या कोई भी डांसर जाके दूसरे जगह पर वो चीज़ स्टाइल सिखाएगा उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है सर पर यहाँ पे हमें उसी स्टाइल के बारे में प्रॉपर बताया गया कि मतलब ये स्टाइल कहाँ से आया उस स्टाइल का नॉलेज होना एज अ टीचर एज अ डांसर कितना ज़रूरी है मतलब हम कोई भी स्टाइल सीख रहे हैं हिप हॉप ब्रेकिंग एनी तो उस स्टाइल का नॉलेज हमें पता चला कि वो स्टाइल एक्चुअली आया कहाँ से क्योंकि आप वो पता रहेगा तभी आप उस स्टाइल को अप्रोच करोगे प्रॉपरली कहीं पे भी आप बताओगे तो वो चीज़ एक अलग चीज़ क्रिएट करती है कि हाँ इस चीज़ को इस इंसान को इस स्टाइल के बारे में प्रॉपरली पता है तो वो चीज़ भी कितना मैटर करता है कि आप उस स्टाइल के बारे में प्रॉपर जान रहे हो इसके अलावा हम स्टेप्स मतलब कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हम सीखे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि ये स्टेप्स है हमने देखा है कहीं पे वीडियोस में पर उस स्टेप का नाम क्या है उसे मतलब कौन वो स्टेप लाए थे कि उन्होंने वो स्टेप इन्वेंट किया ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीखी और मतलब और मतलब टीचिंग मेथोडोलॉजी आए तो हमने ब्रेकडाउन में सीखा सर कि मतलब जैसे स्टेप्स हमें हम देख रहे हैं पर उसको ब्रेकडाउन करके प्रॉपरली कैसे सीख सकते हैं वो स्टेप्स कैसे हमारे लिए ईजी हो जाता है मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बताऊं जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया सर कि मतलब स्टेप देखने पे ऐसे नॉर्मल लगता है वीडियोस में कि हो जाएगा पर होता नहीं है पर यहाँ पे जो ब्रेक डाउन करके प्रॉपरली स्टेप्स बताया गया तो लगा कि आई कैन डू दैट तो वो मतलब सिखाने का तरीका बहुत डिफरेंट था हर स्टेप को ब्रेक करके बताना प्रॉपर तरीके से बताना उसका एग्जीक्यूशन क्या होगा उसके वेरिएशन क्या हो सकते हैं इम्प्रोवाइजेशनस वेरिएशनस ये सारी चीज़ें बताई गई तो ये सब चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल था सर मतलब ये आई डोंट थिंक कि मतलब इतना डिटेल में एनी इंस्टीट्यूट इज़ डूइंग दैट सो इट्स वीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस सर अच्छा लग रहा है कि मतलब आपने उस तरह से डिस्क्राइब किया अबाउट आर ट्रेनिंग मेथोलॉजी एंड बिकॉज दैट्स आर मेन दैट्स आर मेन पोअर पर्सन लाइक वी ऑलवेज़ ट्राई टू गो डीपर इन अवर टीचिंग्स बिकॉज दैट इज़ वॉट मेक्स आर टीचिंग मोर वैल्यूबल एंड मीनिंगफुल ओके बिकॉज वी बिलीव कि जितना ज़्यादा हम नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज दे पाए हमारे स्टूडेंट्स को उतना उनके लिए फ़ायदा होगा जितना हम लोग वो एक ग्राउंड लेवल से उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे एंड उस तरीके उसी तरीके से फिर उन लोग उसको ट्रेन भी कर पाएंगे राइट ओके सो थैंक यू सो मच वो चीज इतना हाईलाइट करने के लिए इस, आपके स्टेटमेंट्स के थ्रू एंड आई होप जो भी चीज़ जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी यू नो समझ आए कि डोल्थ कोर्स क्या एग्जैक्टली exactly डिलीवर करने के लिए कोशिश कर रहा है ये हमारा ऑब्वियसली डिप्लोमा कोर्स है बट यू नो लोगों को भी समझना पड़ सही है कि ये डिप्लोमा कोर्स किस चीज़ के लिए बना है एंड क्या डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं राइट ओके सो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा विशाल uh, कि लाइक एज यू हैव लर्न सो मेनी थिंग्स राइट इतने सारी चीज़ें सीखने मिला है एंड सो uh, so, आपने कहीं ना कहीं वो चीज़ नो इनडायरेक्टली मेन्शन भी किया बट देन टू आई वुड लाइक टू नो हाईलाइट लाइट द स्पॉट कि uh, आपके हिसाब से ये ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है एक डांसर के लिए एंड कैसे आपको लगता है कि आइडल्स हेल्प कर सकता है एक डांसर को उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए स्पेशली उनके प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स इस कोर्स के दौरान राइट right, सर तो जैसे सर, स्टार्टिंग में सर मैंने मेंशन किया कि मतलब पॉडकास्ट के थ्रू ही स्टूडेंट्स को हेल्प करता है तो एन इवन लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट मैं सारे डांसर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो भी आप ना डांस में मतलब करियर परस्यू करना चाहते हैं तो नो डाउट दे कैन कम टू आइडल्स क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हम मतलब जैसे मैंने पहले बताया कि कुरियोग्राफीज़ कुरियोग्राफीज़ का इतना कुछ मतलब अभी क्रिएट हो गया है सर रील के थ्रू और कि जस्ट हम मतलब वी आर जस्ट डूइंग द मतलब कॉपी कर रहे हैं हम सिर्फ सिर्फ फॉलो कर रहे हैं लोगों को पर यहाँ पे हम आके हम अगर आपका किसी स्टाइल में फाउंडेशन बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि एज आई मैंसेंट की बहुत अभी नॉ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट आर मतलब ओनली फोकसिंग ऑन कुरियोग्राफीज़ क्योंकि वही चीज़ें चल रही है. तो आप मतलब खुद को खुद के फाउंडेशनस के साथ यहाँ पर आके कैसे ग्रो कर सकते हो खुद का मतलब स्टाइल अप्रोच कैसे कर सकते हो मेन थिंग मतलब हम खुद का स्टाइल ढूंढ ही नहीं पाते हैं सर लाइक वी आर जस्ट फॉलोइंग दूसरे का स्टाइल एंड यहाँ पे आप आइडल्स एनी डांसर लिसनिंग टू दिस वो यहाँ पे आके अपने फाउंडेशंस के थ्रू और ख़ुद को एडवांस लेवल तक ले जाकर अपना स्टाइल्स कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो चीज़ें यहाँ पे सीखने मिलेगी पी के थ्रू एंड पी आई टी करूँ तो आपने स्टाइल सीख लिया खुद का मतलब खुद का स्टाइल भी अप्रोच किया पर आप ख़ुद को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो वो चीज़ें यहाँ पे मिलेगी पी में आपको पी में मतलब हमें स्किल्स बताए जाएंगे जहाँ पे आप अपने स्टाइल को प्रेजेंट करोगे तो एज अ डांसर ये दोनों चीज़ें कितना इंपॉर्टेंट होने वाली है हमें ये मतलब ये चीज़ यहाँ पे आइडल्स पे ही आने के बाद एक्सपीरियंस होएगा एंड आई विल मैंशन कि नो इज़ डूइंग दैट थिंग क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है जो डांस सिखा रहे पर उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो चीज़ बता ही नहीं रहे सर हम यहाँ पर पी में कोई स्टेप सीख ले रहे पर एट द एंड ऑफ टाइम आप टीचिंग करने मतलब मोस्ट ऑफ द तो डांसर टीचिंग करना चाहते हैं या फिर कहीं पे भी आप दिखाना आप चाहते हैं है। हाँ राइट तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि मतलब प्रेजेंट आप किस तरह से करोगे और प्रॉपर वे में कैसे प्रेजेंट करोगे तो कहीं पे ये चीज़ नहीं बताई जा रही कि उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन क्या होगा और वेरिएशन क्या होगा हम जैसे देख के सीख रहे हैं पर हम जो स्टेप सीखे उसको हमको खुद से वेरिएशंस निकाल लें हम उसमें मतलब क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकते हैं तो वो चीज़ें कहीं पर नहीं सीखने मिल रही तो मतलब कोई भी डांसर इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग विद दर करियर और मतलब कुछ नया नहीं सीख पा रहे खुद का स्टाइल नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नो डाउट देखेन कम टू आइडल्स शेयरिंग मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ वो आप बिल्कुल आ सकते हैं एंड दे विल सी द ग्रोथ इन दैम सेल्फ बट उनको ख़ुद का एफ़र्ट लगाना पड़ेगा ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने वो चीज़ किया है सर लाइक like, ट्रैवलिंग वन फिफ्टी सिक्स किलोमीटर्स एवरी डे सर एंड कमिंग यहाँ पे मतलब सुबह पाँच बजे उठ के आता था एंड साढ़े नौ पे इधर पहुँचना फिर रात को मॉकसीसन सोते तो, तो रात को जाता था दो घंटे ढाई घंटे सोता था अभी एग्जाम्स के भी टाइम तो मैं सर प्रॉपर सोया नहीं पर तो ये चीज़ें हैं तो एफ़र्ट आपको डालना पड़ेगा पर नो डाउट एनी डांसर जो भी यहाँ पे आएंगे कोई भी डांसर यहाँ पे खुद में ग्रोथ देखेंगे एज अ डांसिंग स्किल डांसिंग स्किल्स में भी और ख़ुद के मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स ख़ुद को प्रेजेंट करना एक वैल्यूएबल डांसर बनना स्किलफुल डांसर बनना प्रोफेशनल डांसर बनना ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिलने वाली हैं सो so, आने वाले जनरेशन मतलब जो भी डांसर्स आना चाहते हैं उनके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि नो no डाउट मतलब आप यहाँ पर आ सकते हैं यू विल सी ग्रोथ इन यूर थैंक यू सो मच और विशाल एंड ओबली यहाँ पर अगर आप ट्रेन कर रहे हो तो हम आप एफर्ट डालेंगे लेकिन स्टूडेंट्स को भी एफर्ट्स डालना होगा तब जाके आपको ग्रोथ देखने मिलेगा राइट्स right. वो तो आपने प्रॉपर्ली हाईलाइट किया इसमें सो so, uh, बहुत अच्छा लगा कि इतना आपने इस कोर्स का पर्पज़ बताया एंड कितना फ़ायदा होगा एक डांसर की लिए अगर ये कोर्स करता है तो राइट ठीक है एंड नाउ इट्स अप टू देम लाइक इफ दे वॉन्ट टू रॉन बट एट दी एंड माई पर्पज इज़ टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स एंड highlight on what exactly are, we trying to do here okay so uh thank you so much vishal mm -hmm. it has been uh, a uh, no wonderful conversation awesome uh, i nice. know aapke sath mujhe bahut acha laga aapka journey jaan i you know awesome. uh, uh, i'm feeling happy to know about your growth jo aapne struggle kiya hai the time pichle 5 months mein wo sab cheeze dheere dheere i you know like uh, was it like आपको उसका result धीरे धीरे मिल रहा है जो जो efforts डाला आपने मेहनत किया I hope आप ये चीज़ को continue रखोगे सो so दैट आप उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आ सको एंड धीरे धीरे आपको भी समझ आए क्लैरिटी आई कि यहाँ पर आपका एक्चुअल निश्स ना लाइक करता है राइट सर ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट थैंक यू सर एंड आई होप आगे आप जो भी डिसीजन लोगे आप कि आप जो भी चीज़ें करो उसको आप सही तरीके से मेहनत करके यू नो अचीव करने की कोशिश करोगे श्योर ठीक है सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अर फेथ इन आइडल्स आइडल्स फिल बी द बेस्ट इंस्टीट्यूट सर होपफुल वन डे एंड थैंक यू सो मच एंड आई जस्ट वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट Thank you. Thank you so much.